हेलो एवरीवन। हेलो। तो आज हम जा रहे हैं वॉलमार्ट की, हमारी ग्रॉसरीज की प्लान थी आज, और आज है सैटरडे बट टेम्परेचर है बेसिकली 15 बट ठंड बहुत है। तो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला हमारी मंथली ग्रॉसरी पे, कि मंथली हम कितना स्पेंड करते हैं अपने ग्रॉसरी पे, क्योंकि पहले हमें बहुत आइडिया नहीं हुआ कर जब हम यहाँ पे आए थे, बट अभी काफ़ी टाइम हो चुका है तो हम थोड़ा जुड़ सीरियसली कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं मंथली, वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और अपनी मंथली एक्सपेंस दिखाएंगे। और हम महीने में 4 बार बेसिकली ग्रॉसरी करते हैं हर वीक में, उससे क्या होता है कि थोड़ा ले जाने में, अभी हमारे पास कार नहीं है तो ले जाने में ईजी होती है। बेस्ट आपको जाते हैं और अंदर दिखाते हैं। सो हम आ गए हैं मालबर्ग मॉल, इसी के अंदर वॉलमार्ट, डॉलरामा और बहुत सारी शॉप्स हैं। तो आज हम यहीं से ग्रॉसरीज करने वाले हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। तो मंथली ग्रॉसरी ऐसे हम वैरी करती है हमारी, हम हमेशा एक जगह से नहीं लेते, बट हम आ गए हैं वॉलमार्ट और हमें अब क्या लेनी है आज के लिए, दैट इज विद इन अ लिस्ट और एम पी इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन दैट। फिलहाल हम करते हैं एंट्री, यहाँ से लेते हैं एक कार्ट और अंदर जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रॉसरीज ख़रीदारी, जो कि भाई ट्रॉली भी लेनी होती है। ट्रॉली हम अंदर से लेते हैं, तो आप यहाँ से छोटी बास्केट ले सकते हो, अगर आपको कहीं कम ग्रॉसरीज लेनी है। इफ़ यू नीड अ शॉपिंग कार्ट तो आप यहाँ पे जस्ट आते इंटर करते के साथ आप राइट हैंड साइड में अपनी कार्ट अवेलेबल रहती है। चलते हैं भाई, जर्नी शुरू करते हैं। तो सब्जियाँ की सेक्शन है, आप आते के साथ लेफ्ट आ जाओ और पैकेट्स वाली लेने से पहले आप एक बार आ जाओ, ओपन में जो रखी रहती है वो थोड़ी फ्रेश रहती हैं और आप यहाँ पे रेट भी थोड़ी चीपर होती है, तो आप सब्जियाँ तो सामने से ले सकते हो। जैसे अभी हम लेंगे ये केला, इसकी फ्राई अच्छी बनती है और सब्जी, तो हम 2-3 पीस तो ले सकते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइस, इट्स 1.47। गार्लिक 5.47 पर LB। स्वीट पोटैटो 1.97 पर LB। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे ये बहुत फेमस, लोग पता नहीं क्या है ये टेरर रूट, पता नहीं हमें, हम तो यहाँ पे वो कच्चू छोटी वाली समझ में आता भी है, बट ये टायर रूट, ये बेसिकली ये 1.87 पर LB। ये अपना स्क्वैश, ये गोल वाली, बट वी प्रीफर दैट लॉन्ग स्क्वैश, जो अपन कद्दू बोलते हैं। दिस वन इज 1.28 पर LB। वॉलमार्ट में बहुत राइस पड़ी है और अच्छी क्वालिटी, ये तो बहुत सस्ता भी है, 11.17, इट्स अराउंड 10 LB, लाइक 5 kg का ऑलमोस्ट पैकेट है, और अच्छी बासमती राइस, हमने इसको ट्राई भी करा, अच्छी है। आप वॉलमार्ट राइस की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी न्यूज़ भी आई थी कि राइस की थोड़ी शॉर्टेज है, हम यहाँ फ्रेशको भी गए, रियल कैनेडियन भी गए, बासमती में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और बासमती उन्होंने कुछ बंद करा भी नहीं शायद, क्योंकि इंडिया गेट बोलो या जो भी हम वहाँ पर यूज़ करते, जो भी ब्रांड्स, वो सारी अवेलेबल है यहाँ पर। अपने को स्पाइसेस कुछ लेनी है नहीं, या आई थिंक दिस इज़ अ चॉकलेट सेक्शन, बट हमें और सब्जियाँ लेनी है। तो हम लेने जा रहे हैं बैगन, नावर एग प्लांट, जो कि है 2.48 पर LB। तो हम 1 LB तो लेंगे, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी तो बहुत सही है, ये लंबी वाली है आज इनके पास। और हम लेंगे ताजी और फ्रेश करेला, जो कि है सेम अमाउंट। लो भिंडी भी आ गए, LB 2.5 पर LB। 1 LB हम ये लेंगे और वी आर गोइंग टेक द स्क्वैश, जो कि इसकी प्राइस आई थिंक इट्स ऑन पीस टुडे, इट्स 2.4 पर LB, सही है। और हम यहाँ पे ये हमारी इंडियन भिंडी, ये भी 4.4 पर LB, तो सस्ती है, ऐसा पैकेट लोगे तो आपको कम मिलती है,
यू कैन टेक, आप ऐसे ले सकते हो भाई। ये यहाँ की मूली है भाई, देख सकते हो इतनी हेवी, पता नहीं एक ले जाएंगे तो कितनी पराठा बन जाएगी, देख के तो डर लग रहा है, बहुत मोटी और एक की वजन ये लगभग 400 ग्राम की है। इसकी प्राइस है 1.97 पर एलबी। यहाँ की मिर्चियाँ तो वॉलमार्ट में आपको मिर्ची मिल जाएगी, लाइक द थाई पीपर और एशियन पीपर, विच इज़ 5.27 पर। दीज आर द डिफरेंट स्क्वैश। ये तो वो वाली है जो हम इंडिया में यूज़ करते, बट इसे कलर डिफरेंट है, बड़ी अच्छी होती है। दीज आर 1.97 पर एलबी। और ये आप अपनी बीट रूट 97 सेंट्स पर पीस। रिम्पी अभी क्या ले रहे हैं हम? टमाटर। टमाटर खत्म हो गए भाई, सलाद और चिकन के लिए और बाकी सब्जी के लिए तो जान है। हम सुन रहे हैं पूरी दुनिया में टमाटर महंगी है। टमाटर तो बहुत महंगी हो गई है, बट अपने को यहाँ सही रेट मिल रही है। तो क्या प्राइस है आज की? $1.97 पर हाफ। अच्छा है भाई, सस्ती है 1.97 में हाफ केजी। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको, अभी तो महंगी होने वाली है नहीं, बट ऐसे भी हम हाफ के हाफ केजी या एक केजी ले लेते हैं। और आप क्वालिटी देख सकते हो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, टमाटर सही है। रिम्पी से प्लास्टिक ओपन नहीं होती यहाँ की, या यहाँ की या कहीं की भी जल्दी ओपन नहीं होती है, इनको टाइम लगता है। जो दो नाखून बड़ी बड़ी हैं बट होती नहीं है, सी स्लो मेरे को करनी पड़ती है, बट आज इन्होंने थोड़ा कम टाइम लिया है। चलो बाकी से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अपनी ये कुकुम्बर जो कि पैकेट में है, विच इज़ अराउंड 5.8 एक पैकेट, इसमें लगभग आपकी 12 से 14 पीसेस आती हैं। तो आप बेटर है कि आप ये लॉन्ग वाली लंबी वाली ले सकते हो, विच इज़ लाइक 1.67। तो हम यही प्रीफर करते हैं, दो ले जाकर इसके टेस्ट काफ़ी सही है, तो वो छोटी वाली से बेटर लगती है अपने को, तो हम ये दो लेंगे। ये वही टोमेटोज जो कि 2.47 की है, बट बेटर है, यू कैन गो विथ स्मॉल वन, जो कि हमें सस्ती ही पड़ी है और सस्ता सबको चाहिए होता है। अपने को लेनी है आलू और प्याज, जो कि हम उस सेक्शन में आ गए हैं। अभी अभी आपको देखना है कि अच्छी डील क्या है, कितने लेने पे, या 10 LB या 20 LB की जो पैकेट है उसकी थोड़ी कम पड़ती है, तो हम देखेंगे हमें कितना लेना है और चीपर कौन सी पड़ती है। यहाँ पे है येलो ओनियंस, ये प्रेफर नहीं कर रही, प्रेफर रेड ओनियंस, जो कि यहाँ पे लगी है पूरी लाल लाल। रिम्पी कौन कितना लेना है आज, और साइज़ एक बार देख लेना जरूरी है, कि हम थोड़ा छोटा प्रेफर करते हैं, मीडियम साइज़, बड़ी भी बहुत काटने में मेरे को दिक्कत होता है प्याज काटने में। ये फ्रेश तो है, बट हम सोच रहे कि हम थोड़ी बड़ी पैकेट ले लें तो बेटर हो, थोड़ी बड़ी पैकेट में अपने को थोड़ा सेविंग हो जाएगा। ये भी रेड, ये भी आपकी येलो है, ये बेसिकली आपकी 3.97 है फॉर 1.36 kg, जो कि थोड़ी महंगी लग रही मेरे को। ये है येलो ओनियन, जो कि आपकी 8.97 में 10 LB, समझ लो ऑलमोस्ट 5 किलो के तरफ। कैन लुक एट दिस प्राइस, 8.97, 10 LB की पैकेट है, बट हम रेड लेते हैं, रेड है नहीं। तो हमें ये रेड वाली इससे चलानी होगी, थोड़ा साइड यार ये ले लेना। वी आर गोइंग टू टेक दिस, इट्स 3.97, बट अपने को चाहिए नहीं, देख के फ़ायदा नहीं है। नींबू आप देख सकते हो, ये बड़े वाले 97 सेंट्स और ये छोटी वाली 87 सेंट्स। ये सारी पोटैटो की कलेक्शन है, ये
सारी रेड पोटैटो और मे बी यहाँ पे वाइट हो चलती है सारी 4.47 4.97 की 2.27 केजी अराउंड आ जाती है। लुक एट द प्राइस 4.97 2.27 केजी वाइट पोटैटो है। दिस वन इज रेड पोटैटो, ये काफ़ी अच्छी है, हम इसी को प्रीफर करते हैं। लुक एट द प्राइस 4.97 2.27 केजी। ये अपनी चिकन सेक्शन, एक प्राइस सबकी 10-11 डॉलर की रेंज की है, आपको 400 ग्राम 1 केजी की $15 होती है। और आज हमें बस अपने लिस्ट के हिसाब से चलना है क्योंकि हमें आज अपना एक्सपेंस बढ़ाना नहीं है, तो हम उतना ही लेंगे जितना अपने कंज्यूम करने एक वीक के लिए या जो अभी हमारे पास नहीं है, कि हम जब भी आते हैं थोड़ी एक्सपेंस बढ़ा लेते हैं और इससे क्या होता है कि हमें मंथली एक्सपेंस ही बढ़ रहा है। बेटर आप एक लिस्ट के साथ आओ और उसी के साथ लो। एक्स पे यहाँ पर अच्छी डील रहती है, अगर आप 30 ले जाओगे तो इट्स लाइक $8.9 और अगर आप 12 लेते तो 6-5 की, या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की अवेलेबल है। तो ये आपका सारा योगर्ट एंड दही एंड ये अपने को कौन सा स्मूदी या दही चाहिए, प्लीज़ डिसाइड ऑन दैट। सारी प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 5.27। कुछ कुछ डील्स होती है तो आप ज़रूर डील्स देख के लो, जैसे कि ये चॉकलेट सिल्क कोट स्मूथ एंड क्रीम है $2 for $8, अगर आप एक लोगे तो 5 पड़ेगी, 2 लोगे तो 8 पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे डील यहाँ पे काफ़ी रहती है वॉलमार्ट में। 3% वाली दही, तो हम एक दही ले रहे जो कि 3% फैट, हर एक चीज़ आप फैट चेक कर सकते हो, चाहे आप दही लो या आप दूध लो या चीज़ लो, वो अच्छी होती है, आप फैट चेक करके अपना परचेज कर सकते हो। हम एक पनीर लेंगे बेसिकली 5.98 और हम ये पनीर ले सकते हैं, मलाई पनीर चीज़ बेसिकली 5.97 का पनीर ले सकते हैं। रिम्पी के फेवरेट सेक्शन और हमारे भी कह सकते हैं, यहाँ पे वो फुचका मिल जाता है अपने को और नमकीन और इंडियन मैगी मसाले चाय पत्तियाँ। सारी $1.48 किसी ले नहीं अपने को। रेंडी भाई मसाले नेम कस्तूरी में थी, रिम्पी कस्तूरी में थी ये चीज़, ये कस्तूरी में तो हमें लिया, इट्स 1.07। सारे शान और टाटा एंड MBS के मसाले सारे अवेलेबल। वी आर गोइंग टू टेक दिस सांभर मसाला नो। नेशनल के पंजाबी, ये पंजाबी चना अच्छा होता है, ये हम लेंगे एक, विच इज़ 1.7 मिल गई है अपने को। छोले मसाले वो भी एवरेस्ट के, विच इज़ 2.27। अब ये लेंगे एक और अभी बहुत सारे मसाले अपने पास हैं। अब यहाँ से हल्दीराम के सेव और बेसिकली मिक्सचर्स वगैरह आप ले सकते हो जो कि सब 1.88 से लेके 1.7 के हैं। अरे अपने को मिक्सचर अभी चाहिए, विच इज़ तीखा तीखा मिक्सचर, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। शुगर रिम्पी
वॉलमार्ट में चावल की तो वैरायटी काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। ब्राउन राइस और वाइट राइस एक छोटी पैकेट भी हैं और प्राइस आप देख सकते हो 22.97 10 kg 10 LB 10 LB या 5 kg का बेसिकली $15-16 में ले सकते हो। उससे बड़ी आप लोगे थोड़ी अमाउंट बढ़ेगी, जैसे कि 8.97 इस वन। मुझे अपने को राइस चाहिए नहीं, दिस इज़ द लॉन्ग ग्रेन्स वाइट राइस 8 kg, इसकी प्राइस $18। मैंने लिया सोया चंक्स, जो कि एक है सोया चंक्स, एक है मिनी चंक्स। बेसिकली वो दोनों की प्राइस सेम है, 2.77 ईच। ये डालते हैं कार्ट में। एमपी दो सोयाबीन पैकेट मिल गई न्यूट्रेला की। कुरकुरे लेना नहीं है। पॉपकॉर्न, आपको आशीर्वाद आटा वॉलमार्ट में तो बिल्कुल मिलेगी, यहाँ पे मैंने जब भी हमारे यहाँ मिल जाती है। बेसिकली 18 पॉइंट ऑलमोस्ट ये 10 kg की पैकेट है, 10 kg 20 LB 18.87 में मिल जाएगी। ये अपनी शुगर, मेबी दिस वन इज शुगर, ब्राउन केन शुगर, जो कि काफ़ी बड़ी पैकेट है भाई, इतना चीनी तो चाहिए नहीं एक बार में। ये सारी गिट्स की रेडीमेड, ढोकला, गुलाब जामुन वगैरह हमने भी ढोकला के लिए लिया है, जो कि ज़रूरत भी थी मेरे टिफिन के लिए। स्नैक्स, ये बस अपने खाने का सोचती रहती है। शुगर 2.97 और 2 kg, ये बड़ी वाली भी है फॉर 10 kg फॉर $11। तो हम आ गए हैं घर और हमने बेसिकली, हमारा टारगेट था कि $70-80 में आज हमें ग्रॉसरी करनी थी, और हम भी देखना चाहते हैं कि हम 70-80 में कितना लेके आ सकते हैं और कितना कुछ परचेस कर सकते हैं। तो ये रही हमारी टोटल ग्रॉसरीज। जो रिम्पी, आप प्लीज़ थोड़ा कृपया डिटेल बता दीजिए। तो ये दो है सोयाबीन, एक सोयाबीन चंक्स और एक ये सोयाबीन फुल। ये दो हमारा खीरा हो गया, ये कच्चे केले जिसकी बनेगी सब्जी, ये बैंगन, ये आलू, फिर ये हमारा स्नैक्स है, ये टमाटर, ये प्याज, ये चिकन, भिंडी, शुगर, पनीर है, ये कुछ मसाले, ये गिट्स फॉर स्नैक्स का ये रेडीमेड ढोकला है, और ये हमारा रस्क। सो बेसिकली ये हमारा हफ्ते भर का सामान है। तो आप $70-80 में अपना वेजीज, थोड़ा बहुत स्नैक्स, शुगर, चिकन वगैरह, ये सब आपका $70-80 में आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा टारगेट था 70-80। तो टोटल ये अभी जितना आप देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें, ये हमारी 75 की है टोटल। तो हमने $75 में इतना कुछ आज लिया है बेसिकली वॉलमार्ट से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी डॉलर्स में कितनी ग्रॉसरीज हम परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक ग्रॉसरी है जो हमने आज लिया है, और ये टोटल इसकी बिल हुई है $75। और हमारा आज का टारगेट भी था 70-80 जो हमने मीट करा है। हमारे पास कुछ एक दो हमने और ज़्यादा ले लिया था, जो कि हमने अभी के लिए वापस कर दिया, क्योंकि हमें टारगेट था कि हम 70-80 रेंज में रहें आज, और हमने 75 की टू बी एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें ली हैं, इंक्लूडिंग हमारी वेजिटेबल्स, देन सम प्रोड्यूस सेक्शन। तो $70-80 में आपका एज ए कपल, आपका वेजीज हफ्ते भर का 3-4 वेजीज और आलू प्याज टमाटर थोड़ी मिर्ची स्नैक्स वगैरह अप्रॉक्स और एक नॉनवेज हो जाता है। तो $70-80 दो कपल, एक कपल के लिए आपका एक हफ्ते का ग्रोसरी हो जाता है। बाकी तो जो मेन इंग्रेडिएंट हम एक्स्ट्रा चावल और दाल और वो सब आटा वगैरह लेते हैं, वो हम एक बार में ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि वो हाँ। एक बार आपको हेवी भी होती है, तो हम उस दिन प्रेफर करते हैं कि हम उबर या लिफ्ट के थ्रू एक बार 10 kg 10-10 kg 15 kg का बैग ले आए,
और हम प्याज आलू वही करते हैं, बट आज हमें टारगेट था कि हमें कम अमाउंट में ही सब कुछ लेना है, तो हम आज वो थोड़ा कम क्वांटिटी में लिए, बट ये सारी हो जाती है। तो होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप अपना ग्रॉसरी के एक अंदाज लगा सकते हो कि कैनेडा में अभी 2023 अगस्त में क्या प्राइस रेंज है, और ये प्राइस थोड़ी बहुत वेरी करेगी बट सम सेंट्स एंड ऑल, बट आप अच्छा डील अगर आप अच्छे से देखोगे और आप प्राइस अगर कैलकुलेट करोगे या एक बार रेफरेंस लोगे किसी और जगह से, लाइक वॉलमार्ट टू फ्रेस्को, फ्रेस्को टू सांझा पंजाब टू रियल कैंडन स्टोर, तो आपको जहाँ पे जो सामान थोड़ी कम में मिलती है आप वहाँ से ले सकते हो। तो हम वही करते हैं, पहले हम वो करते नहीं थे, अब हम वही करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ थोड़ी सस्ती मिलती है, तो वी गो लाइक दैट। सो अब करते हैं ये वीडियो को यही एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।